हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डी एंड ए आर रूल्स 1968 यानी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के बारे में जानेंगे, जो कि सभी रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक रेल कर्मचारी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा विभागीय परीक्षा में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूले एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डी एंड आर रूल्स जो कि 1968 में आया था, इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें तो संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 309, 10 और 11 311 के ए और बी में दिए गए प्रावधानों पर यह नियम आधारित है। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है तथा कोई भी कर्मचारी तब तक सेवा में रह सकता है जब तक राष्ट्रपति उसे सेवा में रखना चाहते हो। इसका उल्लेख अनुच्छेद 310 में किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें कि डी एंड ए आर 1968 में कुल नियमों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल नियमों की संख्या 31 यानी 31 है। वहीं भाग पार्ट 7 है तथा इसमें 3 अनुसूची यानी 3 शेड्यूल्स की व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बात करें कि भाग 1 में क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत जनरल इंस्ट्रक्शन आते हैं जिसमें 1, 2, 3 नियम आते हैं। पहले नियम की बात करें तो इसके अंतर्गत शॉर्ट टाइटल्स एंड कमिशमेंट की व्यवस्था की गई है, यानी लघु शीर्षक और प्रारंभ इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यह नियम 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुआ है और इसका नाम अनुशासन एवं अपील नियम 1968 है। सेकेंड की बात करें तो नियम 2 है जिसमें परिभाषाएं यानी डिफिनीशंस को बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ सारे जो हमारे जो अथॉरिटीज होते हैं उसकी डिफिनीशंस के बारे में बताए गए हैं, जिसमें पहला बताया गया है नियुक्ति पदाधिकारी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसे कर्मचारी को पद पर नियुक्त करने का अधिकार हो उसे हम अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुशासनिक अधिकारी यानी डिसिप्लिनरी ऑफिसर, जिसे नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी यानी मेजर पेनल्टी लगाने का अधिकार हो। अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्र भी दे सकता है और कर्मचारी को पनिशमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करें जांच अधिकारी की, तो जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी अनुशासनिक अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने हेतु नामित करता है उसे जांच अधिकारी कहा जाता है। जैसे अनुशासनिक अधिकारी स्वयं हो सकता है, कोई एक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है या कोई एक पर्यवेक्षक या संयुक्त समिति की गठन कर सकता है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। नेक्स्ट बात करें प्रसूति अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीओ भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत प्रशासन का पक्ष रखने के लिए जांच में प्रसूति अधिकारी नामित किया जाता है, जिसका काम होता है रिकॉर्ड एवं कागजात पेश करना एवं गवाहों से प्रश्न करके अंत में अपनी रिपोर्ट अधिकारी को सौंपना होता है। नेक्स्ट एक और शॉर्ट टर्म की बात करें यानी चार्जशीट क्या होता है, तो एक ऐसा विभागीय ज्ञापन जो रेल कर्मचारी को उसके द्वारा गलत किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसमें कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए एक आरोप स्पष्ट होने चाहिए और उसमें घटना का नाम, पूरा विवरण, समय, स्थान और गवाहों के नाम एवं दस्तावेजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जो कि चार्जशीट के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट बात करें चेतावनी यानी वार्निंग की, तो चेतावनी कोई दंड पनिशमेंट नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी से स्पष्टीकरण लिया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होगी। यह मौखिक अथवा लिखित रूप से दी जाती है, लिखित अगर मिलती है तो यह सर्विस बुक में एंट्री होती है। नेक्स्ट नियम 3 की बात करें तो अनुप्रयोग की व्यवस्था की गई है यानी एप्लीकेशंस, यानी यह नियम किस पर, जो हमारा डी एंड
ईआर रूल्स 1968 है वह किन किन पर लागू होते हैं और किन पर नहीं लागू होते हैं, यानी यह नियम निम्न को छोड़कर सभी कर्मचारी पर लागू होते हैं, यानी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य यानी जीएम या उससे ऊपर रैंक के जो रेलवे बोर्ड यानी अधिकारी होते हैं उस पर यह नियम लागू नहीं होते हैं। उसके अलावा आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के जो भी कर्मचारी है उस पर यह नियम लागू नहीं होते, और इसके अलावा भी कैजुअल लेबर है उस पर यह नियम लागू नहीं होते। यानी ये तीन को छोड़कर बाकी सारे रेलवे कर्मचारी जितने भी हैं जितने डिपार्टमेंट्स के उस पर डी एंड ए आर रूल्स लागू होते हैं। नेक्स्ट बात करें भाग दो जिसके अंतर्गत सस्पेंशन का नियम है और इसके अंतर्गत चार पांच नियम आते हैं। यानी नियम चार की बात करें तो रेल सेवक को निलंबित करने के लिए शिक्षक प्राधिकारी के लिए व्यवस्था की गई है नियम चार के अंतर्गत, यानी अथॉरिटीज कंपोटेंट टू प्लेस अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशंस। इसके अंतर्गत आरोप पत्र देने वाला अधिकारी आरोप पत्र लेने वाले अधिकारी से तीन ग्रेड ऊंचा होनी चाहिए। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी को निलंबित कर सकता है, ग्रुप बी के अधिकारी ग्रुप सी और डी को निलंबित कर सकता है, और इसके अलावा स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप बी के अधिकारी 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6 के कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। अब बात करिए जो कि नियम पाँच की बात करिए तो नियम पाँच के अंतर्गत हमारा यानी रूल फाइव के अंतर्गत हमारा सस्पेंशन आता है। निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है, कर्मचारी को उसी पद पर नौकरी में तो रहता है परंतु काम करने का या कार्यस्थल पर जाने की इजाज़त नहीं होती है ताकि सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ ना कर सके। निलंबन कोई पनिशमेंट या दंड नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है ताकि को कभी जब उस पर सस्पेंशन लागू हो तो कार्यस्थल पर न जाकर उस किसी सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। यह किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस या छानबीन या जाँच या मुकदमा चल रहा हो उस केस में यह सस्पेंड कर दिए जाते हैं, या जब कर्मचारी को ऐसे मामले में लिप्त हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो उस मामले में भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संभावना हो या बड़ी शास्ति या मेजर पेनाल्टी की कार्यवाही चल रही हो उस केस में भी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सस्पेंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्काल प्रभाव से निलंबन यानी सस्पेंशन, और सेकेंड होता है भूतकालीन प्रभाव से निलंबन यानी इसे हम डिम्ड सस्पेंशन कहते हैं। निलंबन हमारा एसएफ वन के अंतर्गत आता है जबकि डिम्ड सस्पेंशन हमारा एसएफ टू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें कि दोषी पाए जाने की स्थिति में यदि किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर उसे 48 घंटे से अधिक की सज़ा सुनाई गई हो और उसे ऐसी अभियोग के लिए तुरंत ना हटा दिया गया हो तो ऐसे हिरासत में लिए जाए तिथि से उसे निलंबित माना जाएगा। किसी आपराधिक आरोप अथवा अन्य कारणों से 48 घंटों से अधिक हिरासत में लिए गए हो तो हिरासत में लिए गए तिथि से उसको निलंबित कर दिया जाएगा यानी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यदि किसी रेल सेवक को रेल सेवा से बर्खास्त या सेवा से पृथक यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया हो तो परंतु बाद में सक्षम अपीलीय प्राधिकारी अथवा न्यायालय के द्वारा उसे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए मामले को पुनः अथवा किसी अन्य निर्देशों के साथ लौटा दिया गया हो तो रेल सेवक को बर्खास्तगी सेवा से पृथक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मूल तिथि से निलंबित माना जाएगा। किसी भी रेल सेवक पर जारी निलंबन आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द न किया कर दिया गया हो। निलंबन की 90 दिन यानी 90 दिन की समाप्ति के पहले
पुनरिच्छा समिति गठन करना आवश्यक है, जो कि समानतः अपीलीय अधिकारी द्वारा गठित की जाएगी, यानी अपीलेट अथॉरिटी जो होता है उसके द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें निलंबन करने वाले प्राधिकारी सहित दो अन्य कर्मी जो कि निलंबन करने वाले अधिक प्राधिकारी से नीचे के पद के नहीं होंगे। निलंबन को एक बार में 180 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी निलंबन 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील। निलंबन आदेश के विरुद्ध अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की राशि निर्धारित करने के विरुद्ध निलंबित करने वाले अधिकारी के ऊपर के अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। अपील करने की सीमा 45 दिन की अंदर होनी चाहिए, वह समय निलंबन आदेश की प्राप्ति के तारीख से गिनी जाएगी। तीन माह के भीतर निपटारा, यानी किसी भी रेल सेवक को विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही 3 माह के भीतर कर देने का हर सभ्य प्रयास करना चाहिए। निलंबन के दौरान मिलने वाले भत्ता। निलंबन के दौरान भत्ता वेतन का 50% 3 माह के लिए, उसके बाद वृद्धि की जा सकती है या कमी भी की जा सकती है, लेकिन पूरे मिल रहे भत्ते की 50% से अधिक नहीं होगी। अतः वेतन के 75 इस दौरान छुट्टियां नहीं मिलेगी और बिना हेडक्वार्टर की अनुमति को आप बाहर नहीं जा सकते। इस दौरान आप हॉस्पिटल से इलाज तो करवा सकते हैं। यदि निलंबन कर्मचारी की उत्तरदायित्व कारणों से होती है तो निर्वाह भत्ते को कम करके वेतन का 25% किया जा सकता है। कर्मचारी को निर्वाह भत्ता तभी दे होगा जब कर्मचारी लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वो इस दौरान अन्य रोजगार अथवा धंधा नहीं कर या व्यवसाय नहीं कर रहा हो। किसी भी रेल सेवक को निलंबित आदेश के अंतर्गत ही निलंबित किया जाएगा। लिखित आदेश के अंतर्गत निलंबन का आदेश मानक फॉर्म SF1, SF2 या SF3 के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि मौखिक तौर पर यह सस्पेंशन नहीं किए जाते हैं, जिसके लिए अगर सस्पेंशन किए जाते तो लिखित आदेश में देना अनिवार्य होगा। निलंबन का सहारा केवल उन्हीं मामलों में लिया जाना चाहिए जिसमें कार्यवाही समापन के बाद दीर्घ शास्ति यानी मेजर पेनाल्टी आरोपित किए जाने की संभावना हो, ना कि लघु शास्ति। यानी अगर सस्पेंशन उसी केस में किया जाए जिसमें मेजर पेनाल्टी की मिलने की संभावना हो। निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ क्या क्या की जाएगी, तो ये रेलवे किराया मकान किराए से निर्वाह भत्ते की कटौतियाँ की जाती है। बाकी ये आप ये सब देख सकते हैं, जिससे रेलवे निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ करते हैं जब सस्पेंड पीरियड में आप होते हैं। कर्मचारी चाहे तो इस दौरान इससे भी लिखित तौर पर देकर आप कटौतियां करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 यानी भाग 3, जिसमें पेनाल्टी एवं डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 6, 7, 8 नियम आते हैं। नियम 6 में बताया गया है शास्तियाँ एवं दंड के बारे में, यानी पेनाल्टीज के बारे में बताया गया है, यानी मानक फॉर्म जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत SF1 आते हैं जिसका के अंतर्गत निलंबन किए जाते हैं यानी सस्पेंशन। SF2 के अंतर्गत माना गया निलंबन यानी डिम्ड सस्पेंशन आता है। SF3 निर्वाह भत्ते की स्वीकृति यानी ग्रांट ऑफ सबसिस्टेंट अलाउंस। SF4 हमारा होता है निलंबन से बहाली यानी रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। SF5 हमारा होता है बड़ी शास्ति यानी मेजर पेनाल्टी का आरोप पत्र, यानी चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी। SF6 है हमारा दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति न देना का आदेश, यानी रिफ्यूजिंग प्रमोशन ऑफ टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। SF7 हमारा होता है जांच अधिकारी को नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF8 हमारा होता है प्रसूति अधिकारी की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए आप IO
या ईओ शॉर्ट फॉर्म में मेंशन रहता है, जबकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए पीओ शॉर्ट फॉर्म में मेंशन रहता है। इस एफ नाइन को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें यह पहले जाना जाता था कान बताओ नोटिस जारी किया जाता था, जिसके अंतर्गत 9A, B और C आते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस एफ टेन में है संयुक्त कार्यवाही का आदेश, यानी डिसिप्लिनरी एक्शंस इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। एसएफ 10A है संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारियों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। 10B में है संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। एसएफ 11 में बात किया गया है छोटी शास्त्री हेतु आरोप पत्र, यानी चार्जशीट फॉर माइनर पेनाल्टी के बारे में बात किया गया है। एसएफ 11A में बात किया गया है छोटी शास्ती पर बड़ी शास्ती की कार्यवाही, जबकि एसएफ 11B में बात किया गया है छोटी शास्ती में जांच करने की कार्यवाही, जबकि एसएफ 11C में बात किया गया है बड़ी शास्ती में छोटी शास्ती की कार्यवाही के लिए बात किया गया है। एसएफ 12 में बात किया गया है 12 में कार्यवाही का निर्देश दिए गए हैं, जबकि एसएफ 13 यानी 13 में राष्ट्रपति के आग्रह पर रिटायर्ड रेल कर्मचारी के लिए या आरोप पत्र जारी करना हो रिटायर तो इसके लिए यानी आग्रह पर रेल कर्मचारी यानी किसी रिटायर रेल कर्मचारी की जरूरत हो तो इसे फ्री के अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे 14 यानी 14 में चार सीट रिटायर रेल कर्मचारी के लिए बात की गई, यानी चार सीट फॉर रिटायर रेलवे एम्प्लॉई, जो रिटायर रेलवे कर्मचारी होंगे उस पर अगर चार सीट इशू करना हो तो इसे 14 का सहारा लेंगे। नेक्स्ट है पेनाल्टीज, यानी पेनाल्टी दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर, जिसमें अभी पहले हम माइनर पेनाल्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। माइनर पेनाल्टीज के अंतर्गत सबसे पहला होता है निंदा यानी सेंसर होता है, सेकंड होता है नियत यानी नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक यानी विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक नियत अवधि के लिए उसके जो प्रमोशन होता है उसको रोक देना होता है। कर्मचारी की गलती या आदेशों के उल्लंघन के कारण प्रशासन को हुए नुकसान की पूरी या अधिक रकम की वेतन से वसूली किया जाता है, यानी रिकवरी फ्रॉम हिज फी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनिंग लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। 3A में बोला गया है सुविधा पास पीटीओ अथवा दोनों पर रोक, यानी माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत ये भी आता है कि अगर आपको माइनर पेनाल्टी अगर इशू हुआ हो तो सुविधा पास या पीटीओ अथवा दोनों पर रोक लगा दिया गया हो, यानी विद होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर और या दोनों किया जा सकता है रोक। इसके अलावा भी बोला गया है वर्तमान वेतनमान से एक निचले स्टेज पर अवनति जो 3 वर्ष से अधिक न हो, जिसका भविष्य पर प्रभाव न हो अथवा पेंशन पर प्रभाव न हो, यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ अ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंड द विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट ऑन फ्यूचर और नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज प्रमोशन, यानी अगर आपको निचले स्टेज पर डिमोशन किया जाता है तो 3 साल से अधिक और आपको 3 साल से अधिक न होनी चाहिए और यह भविष्य में आपके प्रमोशन पर प्रभाव न डाले। इसमें चौथी बताया गया है माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत कि नियत अवधि के लिए वेतन पर वृद्धि पर रोक तथा साथ ही साथ यह निर्देशित किया हो कि उक्त अवधि के समाप्त होने पर इसके प्रभाव वेतन वृद्धि पर नहीं होगा, यानी विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू द वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस बिल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बड़ी शास्ती यानी मेजर पेनाल्टी की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बताया गया है नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति, जिससे यह निर्देशित हो कि अवधि के समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होगा
अथवा नहीं, यानी अगर किसी निचले स्टेज पर आपको डिमोशन किया जाता है तो उसमें यह मेंशन होना चाहिए कि उक्त पीरियड यानी जो भी 6 महीने या साल भर का मेंशन हो उसके बाद उस पर उसको वेतन वृद्धि होगा अथवा नहीं होगा, यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the further increment of his pay. किसी निचले वेतन क्रम ग्रेड पद या सेवा में अवनति साथ में यह निर्देशित किए दिए गए हो कि किन शर्तों पर उस ग्रेड पद अथवा सेवा में वापस लिया जाएगा अथवा नहीं वापस लेने पर उसकी वरीयता या वेतन क्रम कहा होगा, यानी किसी कर्मचारी को निचले वेतन क्रम या ग्रेड या सेवा में अवनति यानी डिमोशन किया जाता है तो उस शर्त पर किया जाना चाहिए कि अगर जब वह पीरियड समाप्त हो तो उसे किस ग्रेड पर वापस लेना है, अगर नहीं लिया जाता है तो उस ग्रेड जो ग्रेड में उसको डिमोशन किया गया उसमें उसकी वरीयता क्या होगी, इसका मेंशन होना आवश्यक है। एंड रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विसेज विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शंस रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ रिस्ट्रक्शन टू द ग्रेड और पोस्ट और सर्विसेज from which the railway servant was reduced and his seniority and pay on such restrictions to the grade post services. तीसरी बात की गई है मेजर पेनल्टी के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यानी अगर आपसे ज़्यादा अगर गलती हो तो उस केस में मेजर पेनल्टी के अंतर्गत आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। सेवा से हटाना यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो कि भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए योग ना हो, योग होना चाहिए, अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर किया जाता है तो उसमें आप किसी दूसरे सरकारी नौकरी के लिए योग होंगे, यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस विस सेल नॉट बी डिसक्वालिफिकेशंस यानी योग होंगे फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसके उलट ही आप देख सकते हैं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यानी बर्खास्त करना जो भविष्य में सरकारी नौकरी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य ना होगा, यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के अंतर्गत बी सेल ऑर्डिनरी टू बी डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी अदर गवर्नमेंट और स्टेट सर्विसेज विट नॉट बी क्वालिफाई, यानी देखा जाए तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस में आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं जबकि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में आप दोबारा से एंट्री ना ले सकते हैं। इसके अलावा भी बात कि माइनर पेनल्टी में कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि चार्जशीट इशू किए जाते हैं कोई भी कर सकते हैं, जबकि मेजर पेनल्टी के अंतर्गत हायर ग्रेड के ऑफिसर ही इसको मेजर पेनल्टी को इशू कर सकते हैं जो उसके लिए कैपेबल हो। नियम 7 में बताया गया है कि अनुशासन अधिकारी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज जो कि नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी शास्ति लगा सके, अनुशासन अधिकारी आरोप पत्र दे सकता है और दंड भी दे सकता है जो कि नियम 7 में बताया गया है। नियम 8 में बताया गया कार्यवाही शुरू करने का प्राधिकार यानी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। भाग 4 यानी पार्ट 4 में बताया गया है प्रोसीडर्स फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज, जिसके अंतर्गत 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 रूल्स आते हैं, यानी 9 से 16 तक का रूल पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पार्ट नियम 9 में बताया गया है दीर्घ शास्ति देने की प्रक्रिया यानी प्रोसीडर्स फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज, यानी जो मेजर पेनाल्टी दिया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके लिए नियम 9 की व्यवस्था किए गए हैं, जिसमें पहले बताया गया है सबसे पहले ये समझा जाए कि कर्मचारी द्वारा गलती इस लायक है कि इसे मानक फॉर्म 5 यानी स्टैंडर्ड 5 फॉर्म 5 दिया जाए तो और प्रथम दृष्टि में इसका संबंध सही तथ्य से होना चाहिए। फिर आरोप पत्र जारी किया जाए, इस पर कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन 10 दिन के अंदर देना है।
पत्र प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक अधिकारी यह दिखता है कि कर्मचारी ने अपने बचाव पत्र में क्या लिखा है। अगर वह संतुष्ट है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। अगर संतुष्ट नहीं है तो मानक फॉर्म संख्या 7 द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होने पर की जा सकती है। उसके बाद जांच अधिकारी के बचाव सलाहकार के साथ गवाहों दस्तावेजों आदि से पुष्टि करके जांच पूरी करता है। यानी अगर बात करें कि मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत टोटल 4 एनेक्जर होते हैं जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि कर्मचारी का क्या गलती रही होगी। इसमें कर्मचारी को बचाव के लिए पूरी अवसर दिए जाते हैं। जांच पूरी करने के बाद जांच अधिकारी आरोप की प्रत्येक मद सामने गवाही के दौरान तथ्य सामने आए हैं उसकी समीक्षा करेगा और अपना निष्कर्ष निकालेगा। पूरा केस अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज देगा और रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को भी दी जाएगी। नियम 10 जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही एंड एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। यानी अनुशासनिक अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन करके जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर सहमति या असहमति को रिकॉर्ड करेगा एवं आवश्यक होने पर गवाहों को बुलाकर अपनी प्रति अथवा कथित मुद्दों पर पुनः जांच के आदेश भी दे सकता है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट के आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं का विचार पेनाल्टीज के बारे में अपना निर्णय कर सकता है। यदि वह पेनाल्टी उसके क्षमता में है तो वह अपना आदेश लिखेगा, अन्यथा वह सक्षम अधिकारी यानी कैपेबल अथॉरिटी के पास वो भेज देगा। एनआईपी का फुल फॉर्म होता है नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज। यानी यह कार्यवाही का अंतिम चरण होता है जिसमें पेनाल्टी का आरोप पत्र उल्लेख होता है तथा अपील किस अधिकारी को की जा सकती है उसकी सूचना भी इसके अंतर्गत होती है और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से यह प्राप्त कराया जाता है। नियम 11 यानी लघु शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। यानी सर्वप्रथम यह समझा जाना चाहिए कि गलती मानक फॉर्म संख्या 11 के देने लायक है तथा केस से संबंधित तथ्य सही होनी चाहिए। फिर मानक फॉर्म 11 देने के लिए आरोपों का पूर्ण विवरण, कर्मचारी का डिटेल, देने वाले का हस्ताक्षर, पद का साथ रेल सेवा आचरण नियम 1966 का भाग 3 का हवाला दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष अनुशासनिक अधिकारी देखता है कि संतुष्ट होने पर यह खत्म भी किया जा सकता है, नहीं तो लिख सकता है कर्मचारी की क्या गलती है। फिर कर्मचारी को एनआईपी एंड नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी जिसमें दंड का एक एवं किस अधिकारी को अपील करनी इसका पूर्ण विवरण रहता है। इस पर कर्मचारी को 45 दिन के अंदर अपील करने के लिए समय दिया जाता है। अपील को उच्च अधिकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दंड में कोई कमी या वृद्धि या समान रख सकता है। अगर कर्मचारी कोई अपील नहीं करता है तथा जांच में सहयोग नहीं करता है तो शासकीय अधिकारी एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो नियम 12 में बताया गया है आदेशों का संचारण यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। नियम 13 में बताया गया है सामान्य कार्यवाही यानी कॉमन प्रोसीडिंग्स। नियम 14 में बताया गया है कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया यानी स्पेशल प्रोसीजर्स इन सर्टेन केसेज। यानी इस केस के अंतर्गत यह बताया गया है कि बिना इंक्वायरी के रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, जिसमें अगर लगे कि यह गलती जो प्रैक्टिकल इंक्वायरी नहीं किया जा सका जा सके या किसी देश की सुरक्षा से रिलेटेड जिसमें इंक्वायरी करना सक्षम ना हो तो उस केस में कर्मचारी को बिना इंक्वायरी के रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, जिसकी वर्णन नियम 14 में किया गया है। नियम 15 में राज्य सरकारों इत्यादि को उधार दिए गए रेल सेवकों के संबंध में प्रावधान यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग रेलवे सर्वेंट लेंड टू स्टेट गवर्नमेंट ATC। नियम 16 में बताया गया है केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार इत्यादि से उधार दिए गए रेल सेवकों के संबंध में प्रावधान एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स बोरोड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स।
भाग पाँच यानी अप्रैल जो यानी इसके अंतर्गत 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी टोटल 17 से 24 तक का नियम भाग पाँच के अंतर्गत आते हैं। यानी नियम 17 में बताया गया है उन आदेशों का विवरण जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, यानी ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो विल अपील लाइज। नियम 18 उन आदेशों का विवरण जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, यानी ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज। नियम 19 में बताया गया है अपीलीय अधिकारी के बारे में, यानी अपीलेट अथॉरिटी की नियुक्ति कैसे क्या, इसके पूरे डिटेल्स के बारे में नियम 19 के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी की चर्चा की गई है। नियम 20 के बारे में बताया गया है इसके अंतर्गत अपील के लिए समय सीमा, यानी पीरियड फॉर लिमिटेशन ऑफ फॉर अपील्स। नियम 21 के अंतर्गत बताया गया है फॉर्म एवं सामग्री और अपील की प्रस्तुति, यानी फॉर्म एंड कंटेंट्स एंड सबमिशंस और अपील्स। नियम 22 के अंतर्गत बताया गया है अपील पर विचार, यानी कंसीडरेशंस और अपील। नियम 23 के अंतर्गत बताया गया है अपील में आदेशों का क्रियावरण, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील। नियम 24 में बताया गया अराजपत्रित कर्मचारी के लिए विशेष प्रावधान, यानी स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ। भाग 6 के अंतर्गत रिवीजन एवं रिव्यू की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत नियम 25 एवं 25 ए आते हैं। नियम 25 के अंतर्गत पुनरीक्षण यानी रिवीजन और नियम 25 के अंतर्गत रिव्यू यानी समीक्षा आते हैं। भाग 7 जिसे मिसलेनियस के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत 26, 26 ए, 27, 28, 29, 30, 31 टोटल 26 से 31 तक नियम आते हैं, जिसमें नियम 26 में बताया गया आदेशों आदि को तामिल कराया जाना, यानी सर्विस ऑफ ऑर्डर्स और नोटिस इटीसी। नियम 26 ए के अंतर्गत बताया गया है रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति की ओर से आदेशों नोटिसों आदि को तामिल कराया जाना, यानी सर्विस ऑफ ऑर्डर्स नोटिसेज ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे बोर्ड और प्रेसिडेंट। नियम 27 के अंतर्गत बताया गया है समय सीमा को बढ़ाए और देरी को माफ की सकती, यानी पावर टू रिलैक्स टाइम एंड टू कंडोन डिले। नियम 28 के अंतर्गत बताया गया है आयोग की सलाह की प्रति आपूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ कमीशन एडवाइस। नियम 29 के अंतर्गत बताया गया है निरीक्षण और बचत, यानी रिपील एंड सेविंग्स के बारे में बताया गया है। नियम 30 के अंतर्गत बताया गया संदेह को दूर करना, यानी रिमूवल ऑफ डाउट्स के बारे में बताया गया है। नियम 31 में बताया गया राष्ट्रपति को याचिकाएं प्रस्तुत करने का अधिकार, यानी राइट टू सबमिट पेटिशंस टू द प्रेसिडेंट्स। इसके अलावा भी 3 शेड्यूल्स यानी अनुसूची की व्यवस्था की गई है, यानी अनुसूची 1, 2 और 3। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए आप इसके भी कमेंट में कर सकते हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें सब्जेक्ट चीक पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट वीडियो इसकी ऑब्जेक्टिव पर आएंगे, इसलिए वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कर लें।